ये हमने 4 फोल्ड प्लाजो कटिंग बताऊंगी, तो इसकी हिप हमारी 42 इंच की है। तो ये देखिए 4 फोल्ड हमने कपड़ा रख लिया है, ये 4 फोल्ड है मेरा, 4 फोल्ड है इसमें। अब पहला निशान हम लगाएंगे इसमें फोल्ड का, जो हम इलास्टिक हमने डाली है, तो हम 2.5 इंच का मार्क करेंगे यहाँ से। इसको पहला हमारा निशान 2.5 इंच का होगा, ये 2.5 इंच का मार्क करते हैं, पूरा इसको सिलाई डालनी है यहाँ से। हमारा इलास्टिक वाला पार्ट है, और यहाँ से हम इसका क्रोच एरिया लेंगे। क्रोच एरिया हमारा हिप का चौथा, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे हम, तो हिप हमारी 42 इंच की है, तो 10.5 हमारा इसका हुआ, तो उसमें हम 2 इंच प्लस करना है, तो हम 12.5 पर इसको मार्क करेंगे। अब यहाँ से इसका हम यही इसी निशान से सारे निशान लगेंगे हमारे। अब इस यहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे, लेंथ हमारी इसकी है 35 इंच, तो ये 35 इंच पर मार्क करेंगे हम इसको। यहाँ से लिया हमने इसको, हमारा हिप का चौथा, उसमें 2 इंच प्लस किया हमने, 10.5 था हमारा, 10.5 में 2 इंच ले गया, तो 12.5 हो गया, 12.5 लिया यहाँ से हमने। जितना हमने 12.5 यहाँ मार्क लगाया, इधर ऐसे हमने 12.5 मार्क हमने यहाँ से मार्क लगाया, मार्क लगाया, और इस मार्क को हमने यहाँ से सीधा कर दिया। इसके बाद हमने इस मार्क से 2.5 इंच का मार्क लगाया आगे को, 2.5 इंच का मार्क लगा के इसको कर्व दे दिया हमने ऐसे इसको। अब देखिए बॉटम आपको जितना आपको लेना है बॉटम, मुझे पूरा चाहिए इसका बॉटम, तो मैं पूरा बॉटम लूँगी। हल्का सा कपड़ा आगे पीछे हो रहा है, तो इसमें 18 इंच आ रहा है मेरा बॉटम, तो 18 इंच पे मार्क किया मैंने इसको, 18 इंच पे मार्क इस निशान पे स्केल को रखेंगे, और 18 इंच पे मार्क निशान लगा के हम इसको कर दे रहे हैं, हमने जैसे इसको दिया निशान लगा देंगे निशान। ये हमारी जो 38 इंच है आपकी, ये पूरा आपका 38 इंच आ रहा है, तो एक बार पूरा नाप लीजिए आप 38 38। मैंने 38, अगर आपको कम लगता है ज़्यादा, तो आप इसका हल्का सा कोना, देखिए हल्का सा कोना है इसका, छट जाएगा ये कोना, तो आपका ये कोना निकलेगा यहाँ से। तो ये कटिंग कर लिया है पूरा इसको, जैसे हमारा था इसको कटिंग करके निकाल दिया है मैंने, पूरा कट कर दिया है। अब हम इसको जोड़ना बताएंगे,